इसमें एंट्री कर चुके हैं सबसे पहले ही आपको यहाँ पर, और वो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है बेसिकली, उसमें प्री प्लस में इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बहुत ज्यादा फीस है वहाँ पे, ठीक है। हमारा जो फाउंडेशन है उसकी फीस है 1,18,000 ऑफलाइन की फीस है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2024 का प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है और जो भी स्टूडेंट्स इस बार बैठ रहे हैं 2024 प्रीलिम्स में वो काफ़ी सीरियस है, ठीक है। तो हमारे पास भी बार बार ये मैसेज आ रहा है कि भाई यहाँ पर करोलबाग वारन में कौन सा मतलब टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो हमें जैसे कि पता चला है कि यहाँ पर जो शून्य IAS है, शून्य IAS का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है करोलबाग में। लगभग हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता है कि शून्य IAS का ब्रह्मास्त्र जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है वो कैसा, और जो फाउंडेशन कोर्स है दूसरे कोचिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अधिक जानकारी के लिए हम चलेंगे ऑफिस के अंदर, चलकर एक बार सारी डिटेल्स ले लेते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या है। तो जैसे कि अभी हम ऑफिस में एंट्री कर चुके हैं, सबसे पहले ही आपको यहाँ पर ये कंटेंट दिख जाएंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक्सक्यूज मैम। हेलो, कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। ओके मैम, हम यहाँ पर रिव्यू करने आए थे शून्य IAS, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि करोलबाग और राजेंद्र नगर की तरफ कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है, आप ज़रा बताएंगे इसके बारे में। हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज बेस्ट है और वो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है बेसिकली, उसमें प्री प्लस मेंस दोनों के टेस्ट हैं अलॉन्ग विद मेंटोरशिप। मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो हम दो मेंटोर्स अलॉट करते हैं उसमें, एंड स्टडी मटेरियल साथ में मिलता है जो कॉम्प्लीमेंट्री रिविजन मटेरियल है हमारा। तो वो ही बेस्ट है अगर बच्चे पूरे साल भर टेस्ट लगाना चाहते हैं अपने, तो दे कैन गो विद द ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। ओके, यहाँ पर और भी तो मेंटरशिप दे रहा है बाकी और भी कोचिंग, तो आप लोगों का जो मेंटरशिप है उसमें क्या अलग है, क्या खास है उसमें? अलग उसमें ये है कि एक तो पर्सनल मेंटोर है जो डेडिकेटेडली पर्सनल ही उन्हें गाइड करता है पूरे साल भर। दूसरा, हम रैंक होल्डर्स को भी कनेक्ट करते हैं। रैंक होल्डर्स कनेक्ट होने से ये फायदा होता है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो आपको पता चलती है। आप बताइए, यहाँ पर और भी बहुत सारे कोचिंग है, फाउंडेशन कोर्स भी देते हैं, मेंटरशिप वगैरह ये सारी कुछ मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो फाउंडेशन कोर्स है उसका फीस क्या है? देखो, वैसे तो सूर्या के जितने भी कोर्सेज हैं ना, हम लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में वो कोर्सेज दे रहे हैं आपको। अगर आप बाहर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फीस है वहाँ पे, ठीक है। हमारा जो फाउंडेशन है उसकी फीस है 1,18,000 ऑफलाइन की फीस है, ऑनलाइन की फीस है 22,500 रुपये, जिसमें आपको मतलब बेसिकली फोर फेजेज में हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें NCERT भी है आपका इंक्लूडेड, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, मेंटोरशिप है, कंटेंट अवेलेबल है सारा, मतलब हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बच्चा जानता है। हाँ, हमें भी यही सुनने को मिला है स्टूडेंट्स से कि यहाँ पर सुनने इसके कंटेंट मतलब बुक्स काफी फेमस है, मतलब क्या खास है इसमें, क्यों फेमस है? हमारी बुक्स है ना, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मेंस की जो किताबें हैं उनमें प्रॉपर आंसर राइटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो अगर आप वो बुक्स भी पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आंसर राइटिंग। CSET के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, CSET का जैसे कि आप देख रहे होंगे हर साल जैसे कि टफ होते जा रहा है CSET का पेपर, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कि अगर आपने जिस तरीके से पूछा कि क्या चेंज हो गया, पैटर्न चेंज होते जा रहा है, तो पिछले 3 से 4 सालों में अगर देखेंगे आप, CSET का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पैटर्न चेंज हुआ है। अभी क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आज के 2-3 साल पहले पुट वैल्यू गेट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा उसमें किसी फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट किया आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन अभी के क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दो अलग अलग सेगमेंट को आपस में मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे आपका किसी एक कंपोनेंट का फॉर्मूला लग नहीं रहा, चाहे वो रेशो प्रोपोर्शन हो गया या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को आपस में मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। सिमिलरली अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी देखा जाए तो उसमें भी पहले एक पैसेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी एक पैसेज को छोटा कर दिया है UPSC ने और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी फिलोसॉफिकल नेचर का हो रहा है। तो हमारे यहाँ बदले हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीज़ों पर जोर दिया जाता है। प्लस CSET में हमने एक नई चीज़ शुरुआत की है, क्लास के तुरंत बाद हम आपको 1 घंटे का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हर क्लास के बाद जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, हम स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं कि क्लास के तुरंत बाद वो हमारे क्लासरूम में ही बैठ कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो मेंटोर अवेलेबल हैं। अब मेंटोर वो नहीं है यहाँ पे कि जैसा मैम ने आपको बताया होगा कि मेंटोरशिप है, तो मेंटोरशिप ऐसा नहीं है कि हम किसी सीनियर एस्पिरेंट को हायर कर लिया या फिर कोई सीनियर एस्पिरेंट जो कपल ऑफ टाइम इंटरव्यू अपीयर मेंबर है। हमारे जो किसी कोर्स में कोई अगर कोई फैकल्टी है मान लीजिए किसी को स्पेसिफिक कोर्स के, तो वो फैकल्टी ही आपके मेंटोर रहेंगे और वो मेंटोरशिप किसी भी कोर्स में 1-on-1 ही रहेगा। मेंटोरशिप को मैं क्लियर शब्दों में बता दे रहा हूँ कि मेंटोरशिप 1-on-1 ही मिलेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे,
है ना, स्टूडेंट को कभी भी ग्रुप मेंटरशिप में नहीं कनेक्ट किया जाएगा, स्टूडेंट पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने काउंसलर से बात की है और काउंसलर्स ने मेंटरशिप में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है, ये कहते हैं कि पर्सनल यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है 1-to-1। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर मेंटरशिप देखने के लिए और ये है मेंटरशिप क्लासरूम। और अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को यहाँ पर मेंटरशिप दिया जा रहा है और 1-to-1 यहाँ पर समझाया जा रहा है कैसे क्या करना है। स्टूडेंट सामने बैठे हैं और सर इस तरफ है और सिलेबस के बारे में इनको मतलब हर एक चीज़ें समझाया जा रहा है बहुत ही अच्छे से। तो और फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में, जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये लाइब्रेरी है। तो आइए आप लोगों को एक बार अंदर से दिखा देते हैं कैसा है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है और ये जो है ये लाइब्रेरी है, इस तरफ भी सीटिंग है ठीक है और पीछे की तरफ भी सीटिंग है। और ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए होते हैं।